हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे कॉइन के बारे में जिसके अंदर अगर आपने 2017 के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो 2017 के अंदर उसने 20,000x का रिटर्न दिया है। तो हम बात करें एक्सवीजी के बारे में, वर्ज के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट प्राइवेसी कॉइन था जिसे सब लोग डोज कॉइन डार्क के नाम से जानते भी थे। सो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या आपको यहाँ पर अपनी एंट्री लेनी चाहिए, कितना प्रॉफिट ये कॉइन आपको दे सकता है। सो हम हर एक चीज़ को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है देन जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन टू नेवर मिस एन अपडेट। So without wasting any more time, let's quickly get dive into the video. अगर हम बात करें कि वर्ज कॉइन की हिस्ट्री क्या है, कब ये आया था, सो वर्ज कॉइन आया था 2014 के अंदर। तो अगर हम वर्ज कॉइन की बात करें, सो एज यू कैन सी कि जो सतोशी नाकामोटो हैं जिन्होंने बिटकॉइन को बनाया था, उन्हीं के डाटा को कॉपी करके, उन्हीं के डाटा को डुप्लीकेट करके यहाँ पर लाइट कॉइन बनाया गया था। सो दैट यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो काफी ज्यादा फास्टर हो सके। एंड जो लाइट कॉइन है उसी का कोड बेस फोर्क बना था लकी कॉइन, जिसे डोज कॉइन डेवलपर्स ने कॉपी किया था एंड वहां से डोज कॉइन बना था। एंड जो डोज कॉइन है उसी का फोर्क है डोज कॉइन डार्क। डोज कॉइन डार्क और कुछ नहीं है लेकिन वर्ज कॉइन है। वर्ज कॉइन यहाँ पर इसका नाम चेंज करके 2016 के अंदर रख दिया गया था। उसे पहले इसे डोज कॉइन डार्क के नाम से 2014 के अंदर जाना जाता था। यही अगर हम डोज कॉइन डार्क की बात करें कि ये आया क्यों था, इसका मेन पर्पस क्या था, सो जो पर्पस था वो था प्राइवेसी। तो एज वी ऑल नो कि बिटकॉइन के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बट यहाँ पर जो प्राइवेसी है वो अभी भी इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं है। इन केस यहाँ पर जो भी डाटा है वो ब्लॉकचेन के ऊपर जाता है, देन आपका वहाँ से इजिली आईपी एड्रेस वगैरह कॉपी हो सकता है। एंड उसी का सोल्यूशन लेकर आ रहा था डोज कॉइन डार्क, जो कि वर्ज कॉइन है। सो यहाँ पर इसी सब सिस्टम के लिए बनाया गया था वर्ज कॉइन को, सो देट जो आपकी एनोनिमिटी एंड सिक्योरिटी है उसे काफी ज्यादा मेंटेन किया जा सके। बट यहाँ पर हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। तो अगर हम वर्ज कॉइन की बात करें तो वर्ज कॉइन पास्ट के अंदर काफी ज्यादा फेमस हुआ था। एंड इनफैक्ट जो इनका मेन चीज है, जो चीज ये करना चाहते हैं, दैट इज कि ये मेनली अपना रिटेल स्टोर का बिजनेस काफी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं। दिस मीन्स दे वॉन्ट कि ये हर एक चेन के अंदर काफी ज्यादा हो, जहां पर आप बहुत इजिली एक्सबीजी के अंदर पे करके कुछ भी चीज कर सके। तो इनका जो मेन पर्पस है दैट इज कि जो वर्च है वो काफी जगह पे एक्सेप्ट किया जाए, प्राउडली ये वर्च को एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, सो दैट आप वहां से बहुत ही इजिली गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सके। एंड इसी के चलते हमें यहाँ पर काफी सारी चेन्स के अंदर वर्च देखने को मिलता है, जहां पर आप बहुत ही इजिली इन सभी वेबसाइट के ऊपर वर्च को पे करके इन गुड्स एंड सर्विसेज का मजा ले सकते हैं। सो यहाँ आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है। इनफैक्ट आज के डेट के अंदर ये फूड एंड बेवरेजेस टू एजुकेशन ट्रेवल हर चीज के अंदर आ चुके हैं। एंड एज यू कैन सी आपको यहां पर काफी सारी चीजें देखने को मिल रही होगी कि ये किस किस चीज के अंदर अभी एंटर हो चुके हैं। एंड इन सभी चीज को आप यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्ज टोकन। एंड वर्ज टोकन को यूज करने के लिए आपको इनकी ऐप को डाउनलोड करना होता है, सो दैट आप यहां पर वर्ज टोकन का यूज कर सके। एंड नॉट ओनली दिस, बट हाल फिलहाल वर्ज टोकन की हमें हालविन देखने को मिलने वाली है। जो वर्ज टोकन है अभी उसकी हालविंग होने वाली है एंड हालविंग का इवेंट जल्दी होने वाला है ऑन 28th of August। एंड हालविंग के बाद जो रिवॉर्ड मिलता है माइनर्स को वो हाफ हो जाता है। दिस मीन्स जहां पर माइनर्स को पहले 100 कॉइन्स पर ब्लॉक मिलता था, वही अभी डिक्रीज होकर 50 कॉइन्स पर ब्लॉक हो जाएगा। एंड ये सब भी चीज होने वाली है ऑन 28th of August। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके चलते जो वर्ज टोकन है वो हमें काफी अच्छा स्पाइक देकर जा सकता है। सो यही अगर हम बात करें कि वर्ज ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है एंड क्या इससे बेटर बाकी की कोई ऐसी प्राइवेसी कॉइन है या फिर नहीं, सो वर्ज से बेटर भी हमें काफी ज्यादा प्राइवेसी कॉइन्स देखने को मिलते हैं। बट अगर हम वर्ज की बात करें, सो ये बना हुआ है TOR एंड I2P पे। TOR एंड I2P ये काफी ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड है, जहां पर कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स को सेट किया जाता है सो दैट जो एनोनिमिटी है वो काफी ज्यादा मेंटेन रह सके। एंड ऑल्सो I2P के चलते ये काफी ज्यादा इंक्रिप्टेड हो जाता है, जहां पर आपको काफी अच्छी सिक्योरिटी मिलती है। सो इसी पे ये बना हुआ है सो दैट आपको यहाँ पर कंप्लीट प्राइवेसी मिल सके। बट येट यहाँ पर हमें काफी ज्यादा कंप्लीट प्राइवेसी नहीं मिल पाती। रीजन इज कि जो यहाँ पर काउंटर पार्टी है वो आपका सब डेटा देख सकती है एंड दैट इज द रीजन कि ये काफी ज्यादा सेफ नहीं है। एंड इससे बेटर भी हमें काफी ज्यादा प्राइवेसी टोकन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोनेरो, डैश, जेट, ऐसे बहुत सारे टोकन हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि अभी काफी ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। बट ये जो वर्ज टोकन है वो भी अभी हाल फिलहाल के अंदर काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है। इसने कुछ अपने न्यू माइलस्टोन्स को अचीव किया है, जहां पर इन द मंथ ऑफ जुलाई इन्होंने मोटर कार रेस के अंदर
वर्ज टोकन को काफी ज्यादा प्रमोट किया है। दिस मींस कि यहाँ पर जो मोटोक्रॉस है रेस है उसे कम्प्लीटली स्पॉन्सर किया है वर्ज ने, जहां पर काफी ज्यादा विनर्स रहे हैं एंड उन सभी को वर्ज के अंदर पे किया गया है। तो इस तरह से जो वर्ज है वो भी हाल फिलहाल के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। एंड जो ये इवेंट था ये 13th of July को हुआ था, यहाँ पर 9th और 10th of July को ये इवेंट स्टार्ट हो गया था। सो एज यू कैन सी जैसे ही हमें पता था कि ये इवेंट होने वाला है उससे जस्ट पहले जो कॉइन है उसके अंदर हमें काफी अच्छा पंप देखने को मिला था। एंड यहाँ पर इसका प्राइस नियरली 1.8 सेंट से नियरली 2.4 सेंट तक जाकर आया था। तो इस तरह से हमें यहाँ पर काफी अच्छा स्पाइकअप देखने को मिला था। एंड अगर हम बात करें कि क्या वर्ज यहाँ पर बेस्ट टोकन्स है प्राइवेसी कॉइन्स के अंदर, तो ऐसा नहीं है, इससे बेटर टोकन्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आप इस टोकन के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट क्यों कर सकते हैं, सो द रीजन इज इसका इवेंट आ रहा है। हमें पता है कि हार्विंग के इवेंट के बाद जो यहाँ पर माइनर को फी मिलती है वो हाफ हो जाएगी, जिसके चलते जो वर्ज है वो भी काफी ज्यादा पंप हो सकता है। एंड राइट नाउ जो इसका प्राइस है दैट इज नियरली 2.5 सेंट एंड इजिली इसका प्राइस नियरली 3.5 सेंट तक जा सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर काफी अच्छा चांस मिल रहा है कि आप यहाँ से काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट येट अगर हम चार्ट्स की बात करें, सो एज यू कैन सी यहाँ पर अभी हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक बेयरिश साइन होता है। बट यहाँ से हमें ऊपर की ओर ब्रेकआउट देखने को मिला है। एंड राइट नाउ जो वर्ज का प्राइस है वो नियरली 2.5 सेंट चल रहा है। एंड अगर हम टारगेट की बात करें कि इनके ये प्राइस बिल्कुल सही जाता है, इनके यहाँ से हमें अच्छा पंप देखने को मिलता है, देन इन दैट सिनेरियो वर्ज का प्राइस काफी ज्यादा पंप हो सकता है एंड इजिली इसका प्राइस 7.7 सेंट तक जा सकता है। बट येट ऐसी चीज जरूरी नहीं है। रीजन इसकी अभी बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। इनकेस बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर गिरता है देन डेफिनेटली बाकी सब कॉइन्स यहाँ पर गिरने वाले हैं। लेकिन जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है वो वर्ज की काफी ज्यादा अच्छी रही है, स्पेशली 2017 के अंदर ये काफी ज्यादा फेमस हुआ है इन्हीं सब चीजों के चलते। अगर हम 2017 की बात करें, सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो वर्ज का प्राइस था वो काफी ज्यादा कम था एंड यहाँ पर हमें काफी अच्छी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही थी। लेकिन 2017 जून से लेकर दिसंबर मंथ तक यहाँ पर हमें काफी बड़ा स्पाइकअप देखने को मिला है एंड इसका प्राइस नियरली 10,000x हो चुका था। तो इस तरह से हमें इसके अंदर काफी ज्यादा बड़ा स्पाइकअप देखने को मिला है एंड उस टाइम पर ये टोकन काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था इन्हीं सब चीजों के चलते। एंड नॉट ओनली दिस बट यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जो ये टोकन है ये 51% अटैक को लाइबल है। सो यहाँ पर हमें पास्ट के अंदर भी 51% अटैक देखने को मिला था, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा सिक्योर नेटवर्क नहीं रहता। बट फॉर द शॉर्ट टर्म आप यहाँ पर काफी अच्छी ट्रेड ले सकते हैं एंड यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो गाइस आई होप कि आपको यहाँ पर सब चीजें क्लियर हुई हो कि किस तरह अभी ये हाल फिलहाल के अंदर ही काफी सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में ही इन्होंने अभी ट्रैवलर के साथ भी पार्टनरशिप की है। तो इस तरह से अभी हमें काफी सारी चीजें इनकी देखने को मिल रही है। बट इनके यहाँ पर जो इनकी प्राइवेसी है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, देन एट दैट टाइम आपको यहाँ पर काफी अच्छा प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्राइस का काफी अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको यहाँ पर सब चीजें क्लियर हुई हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है वर्ज को लेकर प्लीज कमेंट बिलो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक टुडेस एपिसोड देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द रेगुलर क्रिप्टो अपडेट्स। Stay tuned for more videos. Bye-bye. Take care.